इंजन की पावर हम पहिए तक भेजने के लिए तीन तरह के ड्राइव सिस्टम का यूज करते हैं। पहला होता है चेन ड्राइव, बेल ड्राइव और शाफ्ट ड्राइव। सबसे पहले जानते हैं हम शाफ्ट ड्राइव के बारे में। शाफ्ट ड्राइव एक महंगा सिस्टम है और इसकी जो रनिंग होती है वो काफी स्मूथ होती है और ये सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। पहिए को पावर भेजने के लिए इसमें यूज करा जाता है प्रोपेलर शाफ्ट का। और ये शाफ्ट क्या होती है, रोटेट होती है, जिससे क्या होता है पहिए को पावर मिलती है। और ये सब होता है वेवल गियर के अरेंजमेंट के कारण। शाफ्ट ड्राइव का जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है 25% तक पावर का लॉस होता है इंजन का। और दूसरा होता है बेल्ट ड्राइव सिस्टम। इसमें क्या होता है, दो पुल्ली के बीच में बेल्ट लगी होती है, या तो उसमें ग्रूव बने होते हैं या फिर टीथ होते हैं। और इस बेल्ट पर केवलर कोटिंग होती है और इसके अंदर स्टील वायर होती है। और इस बेल्ट की लाइफ होती है वो 1,00,000 किलोमीटर होती है। इंजन से पहिए तक पावर ट्रांसमिशन करते टाइम इसमें लगभग 9-15% तक का पावर लॉस होता है। अब जानते हैं चेन ड्राइव सिस्टम के ऊपर। चेन ड्राइव सिस्टम जो है दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला ड्राइव सिस्टम है और इसमें लगभग 1-4% तक पावर लॉसेस होते हैं। और इन ड्राइव सिस्टम को इजीली रिपेयर करा जा सकता है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।